जय श्री राम, जय परशुराम, जय महाराणा। मैं आपका भाई विक्की पंडित हरियाणा सनातन सेना भिवानी से मैं आप सभी भाइयों का अपने YouTube और Instagram चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रिय सनातनी भाइयों, जैसे आपको पता ही है कि मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अभी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे 110 करोड़ सनातनी भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाया। उन सभी का क्या एजेंडा था, क्या प्रोपेगेंडा था, उन सभी की काली करतूतें और पोल पट्टी खोलने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और सबसे पहले तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को पूरी देखें और अधिक से अधिक भाइयों तक उस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर ये सनातनी भाइयों, मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमारे देश में सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली 26 पार्टियों का एक इंडियन अलायंस नाम से महागठबंधन तैयार हुआ है और उस महागठबंधन में सभी वह पार्टियां शामिल हुई है जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ अपना एजेंडा चला रही है, जो सनातन धर्म का दिन प्रतिदिन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और उन पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, NCP, TMC, झामुमो जैसी तमाम 26 पार्टियों का एक इंडियन अलायंस नाम से महागठबंधन तैयार हुआ है। उनका सिर्फ काम ही है कि वो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ अपना एजेंडा चलाती है और मेरी यह बात साबित भी हुई जो मैंने इनके ऊपर यह वीडियो बनाई थी और बताया था आप लोगों को, आप भाइयों को, कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कैसे एजेंडा चलाई है। और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो में जो मैंने बात बताई थी कि 26 पार्टियों का महागठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ तैयार हुआ है, वह मेरी बात साबित भी हुई है। खुद तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री ने भी कल ही यह बयान दिया है कि हमारा जो 26 पार्टियों का महागठबंधन तैयार हुआ है सनातन धर्म के विरोध में तैयार हुआ है। और आप खुद समझ सकते हो अब साथियों, और उसने जो बयान दिया है मैंने उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा दी, आप जाकर पढ़ सकते हो। और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उस वीडियो में जो मैंने बात बोली थी उसकी क्लिप भी मैं डाल रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो। साथियों, आप सबको पता ही होगा कि कांग्रेस और अन्य पार्टी उन्होंने मिलकर एक देश में महागठबंधन बनाया है और जिसका नाम रखा गया है INDIA, यानी इंडिया की, इंडिया नाम रखने से उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जो यह इंडिया नाम से इन्होंने महागठबंधन बनाया है, आपको इस बात का पता होगा कि इस महागठबंधन में सब हिंदू विरोधी पार्टियां इकट्ठी हुई है, सब हिंदू विरोधी पार्टियां, वे पार्टियां जो आए दिन सनातन धर्म के खिलाफ कोई ना कोई बयान देती रहे। साथियों, जो अभी आपने वीडियो को देखा यही वह वीडियो थी जो मैंने कल बनाकर आपको दिखाई थी कि सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली 26 पार्टियों के महागठबंधन का जो अलायंस हुआ है, अब खुद इन महागठबंधन के बड़े नेता भी अपने बयान देकर यह बात बता रहे हैं कि हमारा महागठबंधन सनातन को समाप्त करने के लिए ही हुआ है। तो फिर ये साथियों, आप समझ गए आज का मेरा वीडियो बनाकर आपको बताने का यही उद्देश्य था कि किस प्रकार हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, धार्मिक दिन प्रतिदिन तादाद बढ़ती जा रही है। तो साथियों, आखिर हम अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और यह अधर्मी लोग हैं इनको कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए। जब ये वोट मांगने के लिए अपने गांव में आते हैं, अपने शहरों में आते हैं, इनको जूते की माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाए। साथियों, जो धर्म का नहीं, जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। अगर आप कट्टर सनातनी हो तो साथियों, इन पार्टी गुलामी करना छोड़ दो, इनको काले जूते की माला पहनाओ। हमारा जो भी सनातन का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। बाकी आप खुद समझदार है, मैं सिर्फ यही सनातनी भाई से कहना चाहता हूँ कि क्या आप यह सब देखकर भी क्या आप इन पार्टी के आप झंडे उठाओगे, क्या भी आप इन पार्टी की गुलामी करोगे। साथियों, आपको एक बात का पता ही होगा कि जिसने भी सनातन के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने सनातन को मिटाने की कोशिश की है, उसका खुद का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ऐसे बड़े बड़े उदाहरण आपको दे सकता हूँ, यह पूरी जानकारी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करना, हम वीडियो को अधिक से अधिक भाइयों तक पहुंचाओ, हमारी विचारधारा से जोड़ो, सभी सनातनी भाई अधिक से अधिक अपना प्रचार प्रसार करो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, क्योंकि नए नए सनातन धर्म से रिलेटेड आपको वीडियो व जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहे आप अपने विक्की पंडित के साथ। जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव।